मैं हूँ प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। कुछ दिनों पहले ही इस बात का ऐलान हुआ था कि फातिमा सना शेख आमिर खान की आने वाली फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान का हिस्सा होंगी। इसी के साथ सारी अटकलों पर एक फुल स्टॉप लग गया है, क्योंकि जब तक फातिमा के नाम का ऐलान नहीं हुआ था तब तक कई हीरोइनों के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केवल फातिमा सना शेख अकेली वो हीरोइन नहीं होंगी जो कि इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। खबरों के अनुसार कैटरीना कैफ को भी ठग ऑफ हिंदुस्तान आमिर की फिल्म का हिस्सा बनाया जा रहा है। आपको ध्यान ही होगा कि हमने आपको एक्सक्लूसिवली बताया था कि सलमान खान ने फिल्म के लिए कैटरीना का नाम इसके मेकर्स के लिए सजेस्ट किया था, जिसके बाद कैटरीना को इस फिल्म में एक खास रोल मिल गया है। इस फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने हमें बताया है कि आदित्य चोपड़ा की धूम 3 में आमिर और कैटरीना की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। सलमान खान ने भी फिल्म के लिए कैटरीना का नाम सजेस्ट किया था, तो आदित्य चाहते थे कि वो ठग ऑफ हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उनकी टीम ने कैटरीना को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है और वो मान भी गई हैं। जो बातें फिल्म को लेकर हमें पता लगी हैं, उसके मुताबिक ठग ऑफ हिंदुस्तान में दो मजबूत महिला किरदार हैं, जहां एक फातिमा सना शेख के द्वारा निभाया जाएगा, वहीं दूसरा कैटरीना कैफ के द्वारा निभाया जाएगा। आमिर खान और अमिताभ बच्चन इस फिल्म में लीडिंग मेन के रोल में दिखेंगे। फिल्म को विजय कृष्ण आचार्य डायरेक्ट करेंगे और यश राज इसे प्रोड्यूस करेंगे। खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।